जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. टुडे आई विल कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट द अल्फाबेट. देखिए बेटा, सी ऑप्शन, सर्कल द वोवेल्स इन दिस वर्ड. तो ये जो बेटा वर्ड्स दिए हैं, लाइक देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सारे जो दिए गए हैं, इसमें आपको वोवेल्स को सर्कल करने हैं. ठीक है, वोवेल्स आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू है ना. तो आपको क्या करना है, आपको वोवेल्स को सर्कल करना है. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, आन. सेकेंड डक. थर्ड हैप्पी. फोर्थ बैग. फिफ्थ फिश. सिक्स कोल्ड. सेवेंथ गर्ल. एट्थ जंप. नाइन शॉप. टेंथ विंड. ठीक है, तो इसमें आपको सर्कल करना है वोवेल्स को. तो देखिए यहाँ हमने सर्कल कर लिया है. फर्स्ट में क्या होगा आपका, फर्स्ट में ए आपका वोवेल हो जाएगा. सेकंड में यू, डक है ना, डक में यू आपका सर्कल हो जाएगा क्योंकि यू वोवेल है. फिर थर्ड में ए. फोर्थ में भी ए. फिफ्थ में फिश. मैंने बोला ना ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है. अगर इसमें से कोई भी एक भी लेटर किसी वर्ड में आता है तो हम उसको सर्कल कर लेंगे. तो फिश में तो क्या है, आई आया है, तो आई को हम सर्कल कर लेंगे. सिक्स देखिए, ओ. कोल्ड में ओ जो है वो हमारा वोवेल है. ऐसे ही सेवेंथ में आई वोवेल है, तो वो भी सर्कल कर लेंगे. एट्थ में यू सर्कल करेंगे क्योंकि वो वोवेल है. नाइन में देखिए, यहाँ पर ओ वोवेल है तो उसे सर्कल किया जाएगा. और टेंथ में आई वोवेल है तो सर्कल कर लेंगे हम इसको. ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल्स है ये जब भी किसी भी वर्ड में होंगे तो हम इसको अब से आइडेंटिफाई कर लेंगे. ओके तो बेटा, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज सेंटेंसेस. ओके, देखिए बेटा सेंटेंस क्या होता है. अभी तो आपने अल्फाबेट पढ़ा है ना, ए बी सी इस तरह से करते हो. आपने जेड तक पढ़ा, फिर आपने लेटर्स, जैसे अल्फाबेट में आपने लेटर्स पढ़े, उसके अलावा क्या पढ़ा, आपको पढ़ाया गया था ना कि लेटर्स के बाद क्या बनता है, वर्ड्स. बहुत सारे लेटर्स अगर वो सही ऑर्डर में रखे गए हैं और उसका मीनिंग है, ठीक है, लाइक डॉग अगर ओ डी जी, ऐसे तो ये तो कोई वर्ड बना नहीं, बट अगर डी ओ जी हुआ तो क्या हो गया, ये हमारा डॉग बन गया है ना. तो अगर लेटर्स को आपने सही ऑर्डर में रखा है तो वो आपका शब्द, हिंदी में आप पढ़ते हैं शब्द, तो शब्द. और वही शब्द इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड. तो लेटर्स सही ऑर्डर में रहेंगे तो वो वर्ड बन जाएंगे, और अगर वर्ड्स सही ऑर्डर में रहेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, तो आज हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे क्योंकि आपने लेटर्स पढ़ लिया है, वर्ड पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट आपका सेंटेंसेस है. तो देखिए, रीड वॉट शीना इज सेइंग है ना. देखिए, कलर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट हैव मीनिंग. तो आपको देखिए बेटा यहाँ बताना कि शीना क्या कह रही है, और आपको उस ग्रुप को क्या करना है, कलर करना है, जिसका कि कोई मीनिंग है. ठीक है, जिसका कि कोई सही अर्थ निकल रहा है. ठीक है, अगर किसी ग्रुप में वर्ड्स की मीनिंग नहीं है तो हमारा वो सेंटेंस नहीं हुआ. ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या लिखा है. फर्स्ट लिखा है माय नेम इज शीना है ना, यानी मेरा नाम शीना है. तो ये तो सही वर्ड है, सॉरी सही सेंटेंस है. ठीक है, ये जो ग्रुप है वर्ड्स का, माय नेम इज शीना, ये क्या है, ये सही सेंटेंस है ना. इसका अर्थ निकल रहा है कि मेरा नाम शीना है, तो ये हमारा राइट है. तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कलर कर लेंगे किसी लाइट कलर से. ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, आई टू एप्पल्स लाइक इट. तो ये तो कोई सेंटेंस का मीनिंग निकला ही नहीं, तो ये हमारा जो ग्रुप है वर्ड का ये क्या हो जाएगा, ये कलर नहीं होगा. ओके, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. अब देखिए राइट साइड देखिए, आई लाइक टू ड्रॉ, यानी मुझे ड्रॉ करना पसंद है. तो बिल्कुल ड्रॉ करना पसंद है, इसका भी मीनिंग निकल रहा, तो ये भी ग्रुप हमारा जो है वर्ड्स का कलर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, आई ओल्ड एम ईयर सेवन.
ये भी आपका रॉन्ग है। ये कैसा होना चाहिए? होना चाहिए था आई एम 7 ईयर ओल्ड, है ना, बट ये है आई ओल्ड एम 7 ईयर। तो ये आपका ग्रुप जो है ये बिल्कुल सेंटेंस इसमें बन नहीं रहा है, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है ना, तो ये आपका कलर नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ पेट कैट, यानी मेरे पास एक पेट कैट पालतू कैट है ना, तो इसका भी मीनिंग निकल रहा है, तो ये वाला भी आपका ग्रुप जो है ये कलर हो जाएगा। अब देखिए बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड यू हैव कलर्ड हैव मीनिंग, यानी जो आपने ग्रुप्स वर्ड्स के ग्रुप्स को कलर किया है उसका क्या है, उसकी मीनिंग है ना, उसकी एक प्रॉपर मीनिंग है। यू कैन अंडरस्टैंड देम, जिनको कि आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे कहा गया माय नेम इज शीना, आई लाइक टू ड्रॉ, आई हैव अ पेट कैट, तो ये क्या है बेटा, इसकी मीनिंग निकली और इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, द वन यू हैव नॉट कलर्ड डू नॉट हैव मीनिंग, अब जिसको आपने कलर नहीं किया क्या है उसकी कोई मीनिंग नहीं निकली, और मीनिंग नहीं निकली तो उसका कोई वो कोई सही तरह से, मतलब एक तरह से जैसे हिंदी में बोलते हैं ना सार्थक, कोई मीनिंगफुल उसका कुछ सेंटेंस ही नहीं निकल पाया, है ना, उसको आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते कि हाँ ये क्या कह रहा है। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी वर्ड्स का ग्रुप, है ना, जैसे पहले क्या होता था लेटर्स का ग्रुप होता था तो वर्ड बन जाता था हमारा, है ना, द अल्फाबेट में जब आप देखे थे ना, कोई भी अगर लेटर्स सही ऑर्डर में रखे हैं तो उसका ग्रुप क्या होता था, आपका वर्ड बन जाता था। और यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ड का ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि वर्ड्स का जो ग्रुप है और उसका कोई मीनिंग सही तरह से है तो वो हमारा सेंटेंस है। जैसे आई एम अ गर्ल, ठीक है, अब देखिए सही ऑर्डर में है आई एम अ गर्ल, इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, है ना, इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ती हूँ। तो यहाँ जो भी हमारे ग्रुप्स बन रहे हैं वर्ड के उसका मीनिंग है, तो यही हमारे सेंटेंस हो गए, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें इन अ सेंटेंस वर्ड शुड बी प्लेस, इन अ सेंटेंस वर्ड शुड बी प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू हैव अ मीनिंग, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक सेंटेंस में, है ना, एक सेंटेंस में वर्ड के सही मीनिंग के लिए सही ऑर्डर में रखा जाना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने देखिए यहाँ पे जब कलर्स किया, कुछ को कलर नहीं किया, तो आपने देखा ना कि जो वर्ड्स हैं ग्रुप के अगर वो सही ऑर्डर में है तो उनका मीनिंग निकल रहा है तो वो करेक्ट सेंटेंस है, और जिसको सही ऑर्डर में नहीं रखा गया उसकी मीनिंग नहीं निकली, और मीनिंग नहीं निकली तो वो सेंटेंस नहीं हो पाया, है ना। इसलिए सेंटेंस में वर्ड की सही मीनिंग के लिए सही ऑर्डर में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, यानी जब भी सेंटेंस हम राइट करना, जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर में, है ना, एंड एंड विथ फुल स्टॉप, और जब वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। जैसे जैसे देखिए, अगर ये कहा जाए कि वॉट इज योर नेम, तो वॉट का जो W है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल में हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और जब हो जाएगा वॉट इज योर नेम, तो देखिए ये तो चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, बट अगर कोई सिंपल सेंटेंस है कि कोई भी सिंपल सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, ओके। अब नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम, सॉरी देखिए यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है ए, है ना, क्या लिखा है, रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन ईच पेयर,
ठीक है, यानी आपको रीड करना है हर ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी उस ग्रुप के वर्ड्स को आपको रीड करना है जिनका सही सही पेयर है, यानी जिसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। टिक राइट द वन दैट हैज अ मीनिंग, यानी आपको राइट टिक करना है जिसकी मीनिंग निकल रही है। क्रॉस द ऑर्डर, सॉरी क्रॉस द अदर ग्रुप, और जिसकी मीनिंग निकल रही है यानी जो अदर ग्रुप है उसको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो वन नंबर देखिए, वन नंबर में लिखा है गिरी माई नेम इज, इसकी तो कोई मीनिंग नहीं निकली क्योंकि इसका सही ऑर्डर ही नहीं है, है ना, तो ये क्रॉस हो जाएगा हमारा। फिर क्या है राइट साइड में देखिए इसके, माई नेम इज गिरी, मेरा नाम गिरी है, तो इसका तो मीनिंग बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। अब देखिए नंबर टू, आई एम 6 ईयर ओल्ड, यानी मैं 6 साल की हूँ, तो इसका भी मीनिंग निकल रहा है ना, तो ये राइट हो जाएगा। फिर देखिए आई 6 ईयर एम ओल्ड, ये तो कोई मीनिंग नहीं निकली इसकी, है ना, तो ये आपका क्रॉस होगा। थर्ड देखिए रीडिंग लाइक आई, ये भी मीनिंगफुल नहीं है, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। फिर इसके राइट साइड में देखिए आई लाइक रीडिंग, यानी मुझे रीडिंग करना, मुझे पढ़ना पसंद है, तो ये राइट हो जाएगा आपका, है ना। फोर्थ देखिए प्ले विथ फ्रेंड माई आई, तो ये भी मीनिंगफुल नहीं, ये भी क्रॉस होगा आपका, है ना। अब राइट साइड देखिए आई प्ले विथ माई फ्रेंड, यानी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करती हूँ यानी खेलती हूँ, तो ये भी मीनिंगफुल है ना, तो ये मीनिंगफुल है इसलिए ये राइट हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पुट दीज वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, यानी आपको सही ऑर्डर में चीज वर्ड्स को रखना है ना, टू मेक सेंटेंस, यानी सेंटेंस बनाने के लिए आपको सही ऑर्डर में वर्ड्स को रखना है। रिमेंबर दैट अ सेंटेंस बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर, यानी आपका जो सेंटेंस शुरू हो वो आपका कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, ओके, एंड एंड विद फुल स्टॉप, और जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो वो फुल स्टॉप उसके लास्ट में होना चाहिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और इसमें से एक आपके लिए किया भी गया है, जैसे देखिए फर्स्ट चिल्ड्रेन द आर प्लेइंग, इसे सही ऑर्डर में कैसे लिखा गया, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं, है ना। अब नंबर टू देखिए बेटा क्या है, हैव अ बॉल दे, अब इसे करेक्ट ऑर्डर में आप कैसे राइट करेंगे, तो देखिए इसमें से दो वर्ड्स तो हमारे लिखे हैं, बाकी के दो वर्ड हम राइट करेंगे, तो दो वर्ड्स कौन से हैं, वो टू वर्ड्स देखिए दे हैव, अब ऐसे क्या हम लिखें यहाँ पर इनमें से दो वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में, किसके हम वर्ड बन जाए, सॉरी पूरा सेंटेंस बन जाए, तो क्या हो जाएगा, दे हैव अ बॉल, है ना, दे हैव अ बॉल, यहाँ पे बॉल अ नहीं लिख सकते क्योंकि फिर हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हैव अ बॉल। थर्ड देखिए द ग्रास ग्रीन इज, ये भी मीनिंगफुल है, इसको मीनिंगफुल बनाना तो सही ऑर्डर में रखेंगे, कैसे रखेंगे, फर्स्ट में पहले, सबसे पहले हम फर्स्ट क्या रखेंगे, लिखेंगे द, इसके आगे लिखा है ना द ग्रास इज, तो ग्रास कैसे होती है, घास कैसे होती है, हरे रंग की होती है, तो क्या हो जाएगा, द ग्रास इज ग्रीन, ओके। फोर्थ देखिए क्या है, सन इज द शाइनिंग, तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, द, अब क्या आपको यहाँ राइट करना है, तो यहाँ पर देखिए द लिखा है, शाइनिंग लिखा है, दो चीजें बाकी, एक है इज एक है सन, तो सही ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, द के बाद आएगा सन, क्योंकि सन क्या है, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ वन है ना, तो सन एक है, मून एक है, अर्थ एक है, तो इनके साथ द लगेगा ही लगेगा, तो द लिखा हुआ ही है हमारा, है ना, तो हो जाएगा द सन इज शाइनिंग। फिफ्थ देखिए आर हैप्पी द चिल्ड्रेन, अब इसमें से द चिल्ड्रेन पहले से लिखा है, अब क्या बचे यहाँ पर, आर और हैप्पी बचा, तो सही ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, चिल्ड्रेन है यानी बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे हैं तो आर हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, ओके। तो ये आपका यहाँ तक आज कंप्लीट हुआ, जय हिंद ऑल ऑफ यू।